हेलो स्टूडेंट, दिस इज लोकमान्य तिलक स्कूल और आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 सब्जेक्ट मैथ। सब्जेक्ट मैथ का ये चैप्टर 16B आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें क्वेश्चन दिए हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द नंबर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सम नेम, ठीक है, और इनको जोड़ना है और इसके बाद वो किस टाइप का नंबर है उसको हमको नाम देना है, ठीक है। तो अगर इनको सबको जोड़ेंगे तो ये इक्वल टू 6 होगा, ठीक है। और 6 को हम क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगुलर नंबर। क्या? ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर, ओके। फिर अगर हम इसको सबको ऐड करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा ये। और ये क्या है, एक स्क्वायर नंबर है। क्या? इसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर नंबर। अगर हम इसको जोड़ें तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 36। और ये भी क्या है, 6 का स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर इस तरीके से। अब इसको अगर हम ऐड करें तो 1, 3, 4, 4, 5, 9, 9 और 7, 16 और 16, 9 कितना हो जाएगा, 25। और ये भी क्या होगा, एक स्क्वायर नंबर हो जाएगा 1KD। इसको क्या कहेंगे हम, स्क्वायर नंबर, ओके। फिर है कह रहा है कि 6 प्लस 10, अगर 6 प्लस 10 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 16। और ये भी क्या हो जाएगा, ई नंबर। ये इसको भी हम क्या कहेंगे, स्क्वायर नंबर। इसको हम स्क्वायर नंबर कहेंगे। फिर अगर इसको ऐड करें तो 1, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10, 5, 15 हो जाएगा। अब देखिए, 15 स्क्वायर नंबर नहीं, ये 3 से कैंसिल हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर, इसको हम बोलेंगे ट्रायंगुलर नंबर। फिर करा नेम टू स्क्वायर नंबर हूज सम नेम अनादर स्क्वायर नंबर, ठीक है। करा कौन सा ऐसा नंबर है जिसका दो और अनादर नंबर, यानी दो और नंबर जोड़ दिए जाएं तो भी उसके बाद भी एक स्क्वायर नंबर निकल के आ रहा। तो जैसे 16 प्लस 9, ये भी स्क्वायर नंबर है, ये भी स्क्वायर नंबर है, और ये भी एक स्क्वायर नंबर है, ठीक है। करा फाइंड एनी टू नंबर विच आर बोथ ट्रायंगुलर एंड स्क्वायर नंबर। ट्रायंगुलर भी है और स्क्वायर भी है, ठीक है। ऐसा नंबर अगर हमको ढूंढना हो, तो ऐसा कौन सा होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 36। यह ट्रायंगुलर भी है और टू नंबर, तो 9 भी हो जाएगा, 9 और 36 इस तरीके से हो जाएंगे। फिर करा फाइंड ऑल द स्क्वायर नंबर बिटवीन 50 एंड 150, ठीक है। कौन कौन से हैं, तो अगर 50 के बाद हम कोई, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, हमको पता है। उसके बाद फिर 8 का स्क्वायर आएगा जो कि क्या होता है, 64 होता है। उसके बाद फिर 9 का स्क्वायर आ जाएगा जो कि 81 होता है। फिर 9 के बाद 10 का स्क्वायर 100 होता है, और 100 के बाद 11 का स्क्वायर 121 होता है। फिर 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 144 हो जाता है। बस इतने ही आएंगे। उसके बाद फिर अगर 15 का स्क्वायर करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, और सॉरी 13 का स्क्वायर करेंगे, 169 हो जाएगा जो कि ज़्यादा है। फिर करा फाइंड द
28th एंड 36th ट्रायंगुलर नंबर।